हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपका एक कह सकता हूँ कि नया कोर्स, जो कि बीए फाइनल ईयर के जो क्लास है हमारी जल्दी स्टार्ट थी। बीच में हमने कुछ पांच छह जो पोएम्स थी हमारी पार्ट वन के अंदर वो पूरी की थी, और अब क्या करेंगे, हम कंटिन्यू रखेंगे इस क्लास को। और इसी तरह से जिस तरह से फर्स्ट ईयर सेमेस्टर वन का और बीए सेकंड ईयर का कोर्स पूरा करवाया है, उसी तरह से बीए फाइनल ईयर का भी पूरा पूरा कोर्स इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरा करवाएंगे। ठीक है, ये सारी क्लासेस जेएनयू के अकॉर्डिंग चल रही है, जो जयनारायण यूनिवर्सिटी है उसके अनुसार। ठीक है, तो इसी अनुसार अब हम चलेंगे हमारी एक नई पोएम के साथ, एक हमारी नई कविता, जो कि हमने पहले जो चार पाँच जो पोएम्स हमने पढ़ रखी है हमारे जो पेपर नंबर वन है उसके अंदर, जो हमारा कह सकते हैं कि जो बुक है हमारी वो पोएम्स की बुक है। ठीक है, जिसमें सारी कविताएं हैं आपके, उसी की सेवेंथ चैप्टर है जो कि मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ। ठीक है, बीए फाइनल, अभी ये क्लास है रोज रेगुलर रहेगी आपके। ठीक है, क्योंकि कोर्स सेमेस्टर वन का पूरा हो चुका है फर्स्ट ईयर में, बीए सेकेंड ईयर का भी कोर्स दोनों पेपर का मैंने करवा दिया है। ठीक है, और इसके बाद अब हम चल रहे हैं बीए थर्ड ईयर की, जिसमें हम क्या करेंगे, पहले हमारी पोएम वाली बुक्स को पूरी करेंगे और फिर पेपर टू के अंदर जो हमारे ड्रामा है, ओथेलो है, ठीक है, और भी दो ड्रामा है, उसको भी हम क्या करेंगे, एक एक करके पूरा इस कह सकते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपकी सारी क्लासें यहाँ पे लेके आऊँगा। और ये सारी क्लासें आपके कहीं ना कहीं बहुत मददगार रहेगी, आपके कह सकते हैं कि जब एग्ज़ाम होगा लिमिटेड टाइम में आपको सारा सिलेबस एक ही जगह पर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ऐसा कोई भी कह सकते हैं कि प्लेलिस्ट नहीं है यूट्यूब के ऊपर, या हमने नहीं देखा जहाँ पे पूरा सिलेबस एक साथ करवाया गया है, यहाँ पे पूरा सिलेबस करवाया गया है। ठीक है, और हम जैसे जैसे एग्ज़ाम आएंगे वैसे वैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी, जैसे क्वेश्चंस है और कोई रिलेटेड कोई टॉपिक्स हैं जो हमें इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो मैं आपके यहाँ पर लेके आऊँगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बिना किसी देरी से हमारे बीए थर्ड ईयर की क्लास अब हम रोज़ यहाँ पे क्या करेंगे, रेगुलर करेंगे, और एक एक आपके सारे पोएम सारे ड्रामा मैं यहाँ पे करवा दूंगा। तो आज देखते हैं, सबसे पहले जो हमारी क्लासेस स्टार्ट है बीए फाइनल की है, पेपर नंबर वन है, पेपर कौन सा है, वन। ठीक है, और उसी की एक पोएम्स है, ये क्या है, पोएम है। ठीक है, नाम क्या है, यूलिसस है, किसने लिखी है, लॉर्ड टेनिसन, इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही महत्तम क्या है, लेखक है, वो कौन है, लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, ये भाई साहब है, बहुत खूबसूरत कह सकते हैं कि काम है इनके अंग्रेजी साहित्य के अंदर, हमने बहुत सारी बुक्सें देखी इनकी, बहुत सारे निबंध देखे, बहुत सारे इन्होंने कविताएँ लिखी है, और ये कह सकते हैं कि ये यूलिसस एक राजा है जो कि क्या है, बड़े दिनों के बाद वापिस अपने किंगडम, अपने राज्य इथाका में वापिस प्रवेश कर रहा है युद्धों से। तो उसके बारे में वो कहता है कि मैं एक राजा होने के नाते मैंने अपने पूरे जीवन काल के अंदर क्या चीज़ें सीखी, और अब मैं अपना जो जीवन है, अपना जो रिटायरमेंट है, वो मैं घर पे बैठ के वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं क्या करना चाहता हूँ, एक नई खोज में वापिस निकलना चाहता हूँ। तो उसी की एक पूरी पोएम है, क्या नाम है, यूलिसस। अब किसने लिखी है, लॉर्ड टेनिसन ने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉर्ड टेनिसन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी थीम देखेंगे, और फिर हम करेंगे आउटलाइंस ऑफ द पोएम, जो कि क्या है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत मददगार रहेगी। सबसे पहले देखते हैं कि पोइट का क्या इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले क्या देखेंगे, पोइट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर हम देखते हैं कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, पूरा नाम क्या है इनका, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, वॉज बॉर्न एट सॉमर्सबाई में इनका क्या होता है, जन्म होता है। हीज फादर वॉज रेक्टर देयर, इनके पिताजी वहाँ पे क्या थे, रेक्टर थे। फिर कहते हैं टेनिसन स्टडी एट ट्रिनिटी कॉलेज, इनकी जो पढ़ाई थी वो कहाँ पे हुई थी, ट्रिनिटी कॉलेज में हुई थी। 6 अगस्त 1809 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, क्या हुआ था, जन्म हुआ था, कब हुआ था, 6 अगस्त 1809 को क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। 6 अक्टूबर 1892 में इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो चुकी थी।
6 अगस्त 1809 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। 6 अक्टूबर 1892 में इनका क्या हुआ था, डेथ हुई थी। ठीक है, वॉज एन इंग्लिश पोइट, ये कौन थे, एक अंग्रेज कवि थे। ठीक है, फिर हम देखते हैं, ही रिसीव चांसलर मेडल फॉर हिज पोयम। चांसलर मेडल एक पदक होता है, एक प्राइज होता है, क्या नाम है, चांसलर मेडल, जो कि इनकी पोयम टिम्बकटू के लिए क्या हुआ था, इनको मिला था। टिम्बकटू नाम की इनकी जो पोयम थी उसके लिए इन्हें क्या मिला था, चांसलर मेडल मिला था। ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज, उनके कॉलेज के दिनों में, ही मेड फ्रेंड विथ स्पेडिंग मलाइंस ऑथर हेलम यूलिसस द एनिमेट फिगर ऑफ हिज टाइम, कि इनके जीवन काल में जब ये कॉलेज के दिनों में थे तो इनके दोस्तों के साथ उन्होंने क्या किया था, स्पेडिंग मिलियंस ऑथर हेलम और यूलिसस जैसे कुछ काम थे जो कि क्या किए थे, लिखे थे और लोगों को काफी पसंद हमें आए थे। फिर देखते हैं कि ही बिकेम पोइट लॉरिएट, अब ये क्या बनते हैं, पोइट लॉरिएट बनते हैं कब, 1850 में। पोइट लॉरिएट एक ऐसी उपाधि होती है, कह सकते हैं कि कवियों का राजा, हम इन्हें क्या कह सकते हैं हिंदी में, कवियों का राजा करके एक वो उपाधि होती है, जो कि क्या है, इन्हें अपने कवि के, अपने कविताओं के लिए मिलती है। कब मिलती है, 1850 में। ही वॉज रेस टू प्रीज इन 1884, इन्हें प्रीज के लिए भी क्या होता है 1884 में उपाधि मिलती है। लॉर्ड टेनिसन वॉज द रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ विक्टोरियन एज, ये विक्टोरियन एज के कैसे थे, एक रिप्रेजेंटेटिव, क्या थे, रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं कि पोइट के रूप में ये जाने जाते थे। फिर हम देखते हैं, ही माइनर द एज फेथफुली एंड वॉज द माउथ पीस ऑफ हिज टाइम। ही माइनर, ये क्या करते थे, अपने जीवन काल में बड़े ही आत्मविश्वास के साथ, बड़े ही कह सकते हैं कि ईमानदारी के साथ, ये क्या करते थे, अपने मुंह में, अपने कह सकते हैं कि अपने जीवन काल के समय जो चीज़ें इन्हें दिखती थी वही बातें क्या करते थे, एकदम अपनी कविताओं में लिख देते थे। वो कहते थे कि आंखों देखा हाल, जैसा उन्होंने देखा वैसा अपनी बुक के अंदर लिख दिया। फिर कहते हैं, टेनिसन इज ए ट्रू आर्टिस्ट, इन्हें एक सच्चा आर्टिस्ट भी कहते थे, कि कोई फालतू बातें नहीं लिखते थे, कोई फेंक नहीं लिखते थे अंदर, जो चीज़ें इन्हें दिखती थी वही बातें ये क्या कर देते थे, छाप देते थे। ही इज अनरिवाइल्ड इन ए वर्कमैनशिप एंड ही इज मास्टर ऑफ वर्बल मेलोडी, ये कहते हैं कि ये जब मेहनत करते थे तो बड़े ही ईमानदारी के साथ करते थे, और इनको कहते हैं कि मास्टर ऑफ वर्बल, मतलब जो इनके बोलने की जो एक कला थी इनके पास, वो सबसे कहते हैं कि ये मास्टर के रूप में जाने जाते थे। इनका एक एक शब्द, इनकी एक एक विचार को बड़े ही क्या ईमानदारी के साथ लोग क्या करते थे, सुनते थे, और ये अपने कालखंड के बड़े ही महानतम विद्वान में से एक जाने जाते हैं। और ये टेनिसन यूलिसस नाम का जो राजा है उसके जीवन काल के समय वहाँ पे मौजूद थे, और कहते हैं कि विक्टोरियन एज के सबसे महानतम कवि के रूप में इनको जाना जाता है। अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पोयम, पोयम का क्या करेंगे, हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पोयम के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहले देखते हैं कि द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज पोयम इज बेस्ड अपॉन द पोस्ट, कि एक जो सब्जेक्ट मैटर है पूरा वो बेस्ड है किस पे, इसी जो हमारा जो टाइटल है इसी के ऊपर है पूरा पूरा, हम कहते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो बेस्ड है। अपॉन द पोस्ट हेमोरिक लेजेंड कॉन्सर्निंग यूलिसस, कि एक जो राजा है उसी के ऊपर पूरी एक कह सकते हैं कि उसके जीवन काल, ये भी कह सकते हैं कि हम ये एक ऑटोबायोग्राफी है, क्योंकि एक यूलिसस नाम का जो राजा है उसी के ऊपर ये पूरा टाइटल है, पूरी पोयम है वो क्या है, लिखी गई है। ही वॉज ए ग्रीक किंग ऑफ इथाका, इथाका का क्या था, ये एक ग्रीक किंग था, एक ग्रीक देश का, एक ग्रीक देश है, नाम क्या है इथाका, वहाँ का क्या था ये राजा था, क्या था, राजा था, किंग था। फिर हम देखते हैं कि ही रिटर्न होम आफ्टर ए लॉन्ग वॉन्डरिंग ऑन हिज वे, ये अपने जीवन के बहुत ही लंबे यात्रा से वापस अपने घर पर आ रहा था, फ्रॉम ट्रॉय, ये युद्ध करके काफ़ी समय से बाहर था,
अब थक चुका था 20 वर्ष, ऐसा माना जाता है कि 20 वर्ष के बाद ये वापस अपने किंगडम में इथाका में वापस आ रहा था। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड एम्बोडी इन द 26th कैंटो ऑफ दांते इन्फ्रो एंड यूलिसिस डिड नॉट लाइक द पीसफुल एंड एडवेंचरस लाइफ एट होम ही स्टार्टेड ऑन अनदर वॉयेज ऑफ एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन टूवर्ड्स द हैप्पी हिल्स। और ये कहते हैं कि ये जब वापस आया अपने राज्य में, तो जब ये घर पे रह रहा था, क्योंकि ये अब रिटायर हो चुका था, इसका जो बेटा है वो पूरा किंगडम संभाल रहा था, तो इसने सोचा कि अब मैं अपना जीवन ऐसे एक महल के अंदर बैठ के पूरी तरह से वेस्ट करना नहीं चाहता, मैं एक नए एडवेंचर के ऊपर वापस जाना चाहता हूँ, और ये जो एडवेंचर होगा ये मेरे लिए एक हैप्पी हिल्स का क्या करेगा, काम करेगा, जिसमें मुझे क्या मिलेगी, शांति। और अब मैं क्या शांति की खोज में निकलना चाहता हूँ, मैंने अपने जीवन काल में कई युद्ध किए, कई पराक्रम दिखाए, कई शक्तियाँ दिखाई, लेकिन अब मैं क्या एक हैप्पी हिल्स की तरह एक पीसफुल शांति की ज़िंदगी क्या करना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ, और नेचर में नए नए जो आयाम हैं, नए नए जो खोजें हैं वो करना चाहता हूँ, और नए नए अनुभवों को मैं क्या करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, ना कि ये कि मैं अब महल में रिटायर्ड होके बैठना चाहता हूँ। तो ये एक क्या है थीम है। इसके बाद देखते हैं आउटलाइन ऑफ द पोएम्स। पोएम्स की जो मुख्य आउटलाइन है वो क्या है वो देखेंगे हम यहाँ पे, कि किस तरह से इस पोएम को हमारे जो टेनिसन है वो बताते हैं, यूलिसिस के बारे में क्या मुख्य बात है वो हमने देखी यहाँ पे। अब देखते हैं यूलिसिस जो कि राजा है, कहाँ का, किंग ऑफ इथाका, इथाका, ठीक है। रिटर्न टू हिज लिटिल किंगडम ऑफ इथाका, इथाका में प्रवेश करता है, आफ्टर हैविंग बीन एब्सेंट फ्रॉम इट 20 ईयर्स, कम से कम 20 वर्ष से वो क्या है बाहर है, युद्ध क्षेत्र में है, आज वहाँ युद्ध किया, आज वहाँ युद्ध किया, ऐसे नहीं होता कि कोई राजा एक बार महल से गुजरता है तो उसके सामने कई चुनौतियाँ आती हैं, कई सारे अलग अलग युद्ध से युद्ध करते करते कई साल गुजर जाते हैं, और ये भी होता है कि कई बार कोई राजा वापस नहीं आता, वहीं पर क्या हो जाता है, शहीद हो जाता है। फिर हम देखते हैं बट ही सून केम बट वॉज ट्राइड ऑफ ए आइडल लाइफ एट होम। अब वो क्या है, सून जल्दी से आ भी जाता है, लेकिन उसकी जो एक आइडियल लाइफ होती है घर पे वो ये रहना पसंद नहीं करता। हिज वाइफ पेलेनोप वॉज ओल्ड, अब इसकी जो पत्नी थी पेलेनोप वो क्या हो चुकी है, बुजुर्ग हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है। द पीपल ओवर होम ही रूल्ड वर बारबियस, और जो पीपल्स थे, जो लोग थे जिसके ऊपर इन्होंने शासन किया या राज्य किया, वो भी इसके लिए क्या थे, बड़े ही बारबियस थे। फिर कहें दे कुड नॉट अप्रिशिएट हिज ग्रेट क्वालिटी, वो लोग इसकी जो ग्रेट क्वालिटी थी कि ये राजा कई सालों तक अपने परिवार को छोड़ के कहाँ पे रहा, युद्ध क्षेत्र में रहा, किसके लिए रहा, अपनी जनता के लिए रहा, अपने किंगडम के लिए रहा, लेकिन वो लोग ऐसे थे कि इसकी जो ग्रेट क्वालिटीज थी उसे पहचान नहीं पाते थे, उसको उन लोगों को अप्रिशिएट नहीं था उसके लिए। फिर कहें देयर वॉज नो यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग इम्परफेक्ट लॉ टू दिस पीपल्स, कि ये कहता था कि इन लोगों के लिए कोई नो यूज है किसी प्रकार के, इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेटिंग, इतनी ज़्यादा एक प्रशासनिक जो व्यवस्था इसने कायम कर रखी थी वो इनके लिए क्या है कोई मायने नहीं रखते। ये कहते थे कि हमें क्या करना चाहिए, अब अपने लिए जीना सीखना चाहिए, क्योंकि पूरे जीवन इसने क्या किया था लोगों के लिए, अपने किंगडम के जो लोग थे, पीपल्स ऑफ हिज किंगडम, उनके लिए जिया था, लेकिन उन लोगों के लिए इस सारी चीज़ों से कोई मायना नहीं रखता कि राजा ने उनके लिए क्या है। यूलिसिस हैड बीन ऑल हिज लाइफ ए मैन ऑफ एक्शन, वो अपने जीवन काल में पूरी तरह से क्या था, एक मैन ऑफ एक्शन था। हिज डिजायर वॉज टू ड्रिंक लाइफ टू द लीज, इसका एक इच्छा थी कि वो अपने जीवन को क्या करें, एक लीज की तरह पी लें। फिर क्या, ही हैड बिकम ए फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो अपने पूरे विश्व में क्या था, फेमस था अपने पराक्रम से, अपने युद्ध क्षेत्र के कौशल से। ही हैड विजिटेड सेवरल कंट्रीज एंड एवरीवेयर ही हैड बीन ऑनर्ड गेस्ट, और इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी कंट्रीज को देखा और हर जगह इन्हें एक ऑनर्ड गेस्ट के रूप में, एक मेहमान के रूप में इन्हें क्या मिला, मान सम्मान मिला। हिज कैरेक्टर हैड बीन एनरिच बाय एक्सपीरियंस, अब ये माना जाता था कि ये जो कैरेक्टर था यूलिसिस, ये अपने जीवन काल में बहुत सारे एक्सपीरियंस ले चुका था,
ये अपने जीवन में 20 वर्षों में अपने पूरे जीवन काल में बहुत सारे युद्ध किए, अलग अलग देशों में घुमा और इन्होंने अपने जीवन में इतने सारे अनुभव लिए जिससे अब ये कह सकते हैं कि एक प्रफुल्लित एक मैन जो परफेक्ट मैन होता है वो कौन था, यूलिसिस था। बट ऑल हिज पास्ट एक्सपीरियंस लेफ्ट हिज डिजायर फॉर ट्रेवल अनसेटिस्फाइड। अब इसके सारे एक्सपीरियंस क्या थे, छूट चुके थे कि जब ये एक जब इसकी एक इच्छा रखता है कि मुझे एक क्या करना चाहिए, ट्रेवल करना चाहिए, क्योंकि मैं क्या हूँ, अनसेटिस्फाई हूँ। क्या हूँ, अनसेटिस्फाई हूँ। इन सारे जितने भी मैंने एक्सपीरियंस लिए, अलग अलग युद्ध किए, इन सब से मेरी जो एक इच्छा है वो अभी भी क्या है, अधूरी है। मुझे जो इच्छा, मुझे जो चाहिए वो अभी भी इन सारी चीज़ों से मुझे नहीं मिला है। फिर कहते हैं ही कंसिडर्ड इट डल टू पॉज एंड लीड एन आइडियल लाइफ अस थ्रू लाइफ कंसिस्टेड ओनली ऑफ ए ब्रीथिंग। ये कहते हैं कि हम जब इतनी सारे जीवन में हर तरह का जो एक्सपीरियंस लेते हैं वो सारा किस लिए लेते हैं, जस्ट फॉर ए एक लिविंग। हम जैसे रोज जॉब करते हैं, कमाते हैं, हमारा जो काम होता है, सब लोग जाते हैं, सुबह आते हैं, किस लिए करते हैं, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। वो एक्सपीरियंस जिस काम को हम करते हैं, जिससे हमें आमदनी मिलती है, वो किस लिए, कि सिर्फ हम जीवन, हमारा जो जीवन है वो चल सके, हम जिंदा रह सकें। ये नहीं कि हमारी संतुष्टि है उस काम को करके, वो हमें वहाँ पे नहीं मिलता। इवन इफ ए मैन वर ए गिफ्टेड विथ मैनी लाइव्स, अगर मनुष्य को बहुत सारे जीवन भी मिल जाए, ही कुड नॉट होप एग्जॉस्टेड ऑल नॉलेज, तो भी वो अपने जीवन काल में सारे जो ज्ञान है, सारा जो ज्ञान है वो नहीं ले सकता। सो एवरी अवेलेबल हावर्स मस्ट बी पुट टू यूज। तो ये कहता है कि हमें हर घंटे, हर मिनट हमें क्या लेना चाहिए, उपयोग लेना चाहिए, एक्सपीरियंस, नई बातें सीखनी चाहिए, एंड बी सेव्ड फॉर साइलेंस ऑफ डेथ, और हमें वेट करना चाहिए किसका, आराम से मृत्यु का। यूलिसिस एक्सपेक्टेड टू लीव ओनली फॉर 3 more years। ये चाहता था कि मैं अपने जीवन में अब रिटायर्ड होने के बाद 3 साल और जीऊँ, बस मुझे इतनी ही इच्छा है। इट वुड मीन टू वेस्ट हिज स्मॉल पीरियड इन ए इलनेस वाइल ही स्पिट यन टू फॉलो नॉलेज। ये कहता था कि मैं अपने जीवन को ये कम समय जो 3 वर्ष में मांगता हूँ, इसमें मैं सिर्फ कुछ समय क्या करना चाहता हूँ, अपने स्मॉल पीरियड जो आइडलनेस है, जो मेरी इच्छा है, उसके लिए मैं जीना चाहता हूँ, मेरे खुद की आत्मा के लिए मैं जीना चाहता हूँ, टू क्या करूँ, थोड़ा सा नॉलेज ले सकूँ। लाइक ए सिकिंग स्टार बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट्स, और मैं एक कहते हैं खुले आसमान की तरह मैं क्या लेना चाहता हूँ, ज्ञान लेना चाहता हूँ। ये नहीं कि दबा दबा ज्ञान, ये कहता है मैं खुले आसमान की तरह अपना जो ज्ञान है उसको मैं क्या करना चाहता हूँ, इस संसार से लेना चाहता हूँ। यूलिसिस वुड लीव द आइसलैंड टू केयर ऑफ हिज सोन। ये क्या करता है, अब जैसे ही वो होता है तो अब वो तैयार हो जाता है अपना जो राज्य है उसको छोड़ने के लिए, और वो सारा जो राज्य है वो किसे सौंप देता है, टेलेमैकस इसका एक बेटा है, जिसके भरोसे ये क्या करता है, अपना पूरा राज्य छोड़ देता है, क्योंकि इसे भरोसा है कि इसका जो बेटा है वो अब पीछे जो राज्य है मेरा उसे क्या करेगा, अच्छे से संभाल लेगा। टेलेमैकस वॉज वाइज इनफ टू कैरी ऑन हिज वर्क एंड विन ए रज पीपल स्लोली टू लीव जेंटल यूजफुल एंड प्रोफिटेबल लाइफ्स। ये माना जाता था कि जो टेलेमैकस था वो बड़ा ही एक चतुर था, बड़ा ही एक अच्छा व्यक्ति था, जो कि अपने जो किंगडम के राज्य के जो लोग थे उनके लिए वो क्या था, बड़ा ही अच्छे से काम करता था, उनके बहुत सारे दिलों को, उनके जो गरीब लोग थे उनके दिलों को इन्होंने क्या किया था, जीत लिया था। और जो एक आत्मविश्वास था वो कहीं ना कहीं यूलिसिस को भी था कि मेरा बेटा अब मेरे पीछे इस राज्य को क्या कर सकता है, संभाल सकता है। फिर हम देखते हैं कि टेलेमैकस हैज ए स्पॉटलेस कैरेक्टर, ही वॉज ए होली टेकन अप हिज ड्यूटी। अब वो अपने ईमानदारी से अपनी जो ड्यूटीज है उसकी, जो कह सकते हैं कि उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छे से निभा रहा था। ही वुड प्रोवोक एन एग्जाम्पली सॉन टू हिज मदर, वो एक माता पिता के लिए एक अच्छा कह सकते हैं कि पुत्र, एक ईमानदार पुत्र, एक कह सकते हैं कि एक मैन ऑफ, ये कह सकते हैं ना, एक कह सकते हैं जो बेटा होता है ना, एक आराम से कह सकते हैं जो अपने माँ बाप का जो सारा काम संभाल लेता है, ठीक है। तो वो एक ये बन चुका था टेलेमैकस, एंड ही वुड ऑनर द हाउस होल्ड गॉड्स वाइल हिज फादर वॉज अवे। और जब ये अपने पिता
युद्ध में थे, युद्ध क्षेत्र में थे, तो ये अच्छी तरह से अपने महल की, अपने राज्य की क्या कर रहा था, उनके पीछे सेवा कर रहा था। अपने पिता का जो फर्ज था लोगों के लिए वो ये अच्छी तरह से निभा रहा था। जब जो हमारे यूलिसस हैं वो बाहर थे, युद्ध क्षेत्र में थे, फिर कहते हैं कि यूलिसस वुड लीव टू डू हिज वर्क व्हाइल टेलीमेकस डिड दिस। और जब ये बाहर थे तो इन्होंने अच्छी तरह से पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी को क्या किया था, निभाया था। लुकिंग टूवर्ड द पोर्ट वेयर द शिप स्टूड रेडी टू टेक हिम अवे। अब क्या है कि जब इनकी इच्छा थी यूलिसस की कि मैं बहुत दूर जाना चाहता हूँ, अब मैं वहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, अपने जीवन के जो अंतिम 3 वर्ष हैं मैं इच्छा रखता हूँ कि 3 वर्ष तक ही मुझे जिंदा रखें, और मैं इसी कालखंड में कुछ नॉलेज, जो कुछ एक्सपीरियंस है, वो मैं ज्ञान है उसे मैं क्या करना चाहता हूँ, लेना चाहता हूँ। तो अब क्या है, उसके राज्य के जो पोर्ट है, बंदरगाह है, वहाँ पे एक शिप तैयार थी इसे ले जाने के लिए। ठीक है, यूलिसस एड्रेस टू हिज मैन हु वर फॉलो हिम इन ए लास्ट वॉयज। और उनके साथ जो व्यक्ति थे, जो इनके साथ हमें, जो यूलिसस के साथ लास्ट उनकी यात्रा के ऊपर निकलने वाले थे, उनको वो क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं, संबोधन करते हैं, क्या कहते हैं, दे वर ऑल द मैन हु वॉज शेयर हिज एक्सपीरियंस विथ हिम ब्रेवली। ये वह लोग हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस ब्रेवली, बड़े ही ईमानदारी के साथ, बड़े ही ताकत के साथ अपने जीवन काल के समय इन्होंने शेयर किया कि किस तरह से मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो इन लोगों को दे रहा हूँ, और किस तरह से ये जो लोग हैं ये अपना एक्सपीरियंस मुझे दे रहे हैं, और हम दोनों क्या कर रहे हैं, जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं, हम सारे जने क्या कर रहे हैं कि लास्ट जो हमारी अंतिम यात्रा है समुद्र में, उसकी तरफ हम क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। फिर कहते हैं दे हैड ऑल ग्रो ओल्ड विथ हिम, और ये सारे मेरे साथ ही क्या हो चुके थे, बुजुर्ग हो चुके थे, ये जब यंग थे तब मेरे राज्य में, मेरे कार्य, मेरे सैनिक के रूप में मेरे साथ रहे हमेशा, मेरे हर युद्ध में इनकी भूमिका रही, मेरे हर रण क्षेत्र में, मेरी हर उपलब्धि में इनकी भूमिका है, और अब ये जब आखिरी समय है, मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, मैं कुछ अपने ज्ञान के लिए खोज में निकलना चाहता हूँ, तो उस समय भी ये मेरे साथ हैं अपने जीवन काल के समय। फिर कहते हैं कि यूलिसस अपील टू हिज मैन टू एकम्प्लाइज सम वर्क बिफोर हिज डेथ। ये कहते हैं कि हम अपनी डेथ से पहले कुछ काम करना चाहिए, कि सम वर्क विच वुड नॉट बी अनवर्थी ऑफ देयर होनर्स एंड टॉयल्स। यूलिसस अपील टू हिज मैन टू एकम्प्लाइज सम वर्क बिफोर द डेथ, सम वर्क विच वुड नॉट बी अनवर्थी ऑफ ग्लोरियस ट्रेडिशन। कि ये कहते हैं कि हमें अपने जीवन के समय, जब हमारी मृत्यु आने वाली होती है, क्योंकि मृत्यु क्या है, निश्चित है, वो तो आनी ही है, तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, कुछ अपने परिवार के लिए, अपनी जनता के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए हमें कुछ ऐसे काम कर लेने चाहिए जो कि क्या रखें, हमें कह सकते हैं कि हमारी एक ड्यूटी, एक हमारी क्या हो सके, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी इस समाज के लिए। जब हमने मानव जन्म में जन्म लिया है तो हमारी कुछ क्या रहती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है अपने परिवार के प्रति, अपने प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने जो राज्य के प्रति, जो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सारी हमने क्या कर दी, अपने जीवन में पूरी कर दी। अब मेरे जीवन के आखिरी समय है, तो उसमें भी मैं कुछ ऐसे काम करना चाहता हूँ जिससे क्या है कि मेरी जनता, जो मैं पीछे छोड़ के जा रहा हूँ मेरे बच्चों के भरोसे, मेरे जो बेटा है टेलीमेकर्स, वो अच्छी तरह से मेरी जनता को क्या कर सकता है, संभाल सकता है। अब मैं पूरी तरह से क्या हूँ, संतुष्ट हूँ कि मैंने उन अपने जीवन में जो कुछ भी करना था मेरी जनता के लिए मैंने कर दिया, और आगे मेरा जो पुत्र है टेलीमेकर्स वो क्या करेगा, इस जनता की सेवा करेगा, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक नई खोज के ऊपर निकल रहा हूँ, तो उसमें भी जो मेरा खोज होगी, मेरी जो एक्सपीरियंस होगा, वो मेरी जनता के लिए क्या आएगा, काम आएगा। फिर कहते हैं कि देन सीइंग दैट द डे हैड वांड एंड द मून वॉज क्लाइम्ब इनटू द हेवंस। अब ये कि वो दिन आ गया जिस दिन जो मून है वो बाहर आ रहा था और जो सूर्यास्त था वो होने लगा था। द अर्ज हिज मैन टेक देयर सीट्स इन अ शिप। अब वो सारे लोग जो जहाज था उसमें अपनी अपनी सीट ले चुके थे। एंड पुश ऑफ फ्रॉम द शोर, और किनारे से उसको पानी के अंदर, समुद्र के अंदर धकेल दिया गया था। His purpose was sail away into the west, might be there the ship might reach the happy hills। और इन्होंने यह इच्छा की कि ये जो सीप हैं ये happy hills स्वर्ग में चली जाए। अगर हम कहीं आगे जाके, अगर हमारी सीप अगर दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाए और हम मृत्यु को प्राप्त कर लें, तो हमारी जो ये सीप हैं
ये सीधी क्या हो जाए, स्वर्ग में चली जाए, हैप्पी हिल्स में चली जाए, वेयर दे माइट मीट द ग्रेट एचिल्स, और वहाँ पे जाके वो एक जो भगवान है, जो ग्रेट जो एचिल्स हैं, उन्हें मिले आफ्टर इनकी डेथ। फिर कहते हैं कि टाइम एंड फेट हैड वीकेंड देम इन ऑल इन बॉडी। अब वो कहता है कि समय का चक्र, समय और जो कहते हैं कि जो ताकत है, वो समय के साथ अब मेरी क्या हो चुकी है, धीरे धीरे कम हो चुकी है। वरना मैं क्या था इन देयर प्रेजेंट एडवेंचर, आज के समय में जो हम इस एडवेंचर पे निकल रहे हैं, तो इस समय अब हमारी जो मेरी जो ताकत है, मेरा जो समय है, वो धीरे धीरे अब थोड़ा सा क्या हो चुका है, कम हो गया है, कमज़ोर हो चुका हूँ मैं। दे माइट नॉट बी हार्डी अस दे हैड बीन इन द लास्ट, बट दे ऑल हैड वन। अब वो कहते हैं कि जब मैं यंग था तो मैं इस आसमान धरती को क्या कर रहा था, एक करने की ताकत रखता था, लेकिन वर्तमान में अब मेरी जो शक्ति है वो धीरे धीरे कम हो चुकी है। अब मेरे पास वैसा पराक्रम नहीं रहा जो मेरा पहले जब युद्ध कौशल में था, जब युद्ध क्षेत्र में था, लेकिन फिर भी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं फिर भी अपने जीवन के इस यात्रा के ऊपर वो एडवेंचर दिखाना चाहता हूँ जितना मैं दिखा सकूँ, और मैं एक कहते ना कि एक ईमानदारी से जो ज्ञान मुझे मिलना चाहिए वो मैं इस यात्रा के साथ लेना चाहता हूँ। इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हर्ट, और उसमें सारे जो लोग बैठे थे उन सब का क्या था, एक इक्वल टेम्पर था, एक ही मनोभाव था इन सब का, कि सब ऐसी तरह से क्या थे, अपने अपने समय में बड़े ही क्या थे, दमदार थे, बड़े ही कहते हैं कि कह सकते हैं कि बहादुर थे, लेकिन अब समय के चक्र के साथ साथ वो सारे लोग क्या हुए थे, कमज़ोर, लेकिन फिर भी वो इस यात्रा के ऊपर बड़े ही आत्मविश्वास के साथ, बड़े ही ईमानदारी के साथ, बहादुरी की के साथ वो लोग क्या कर रहे थे, इस यात्रा के ऊपर निकल रहे थे। विच वुड अनेबल देम टू स्ट्राइव टू सीक एंड फाइंड नॉट टू येल, जो कि इन्हें क्या था कि इन्हें अपने जीवन में एनेबल कर रहे थे टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड नॉट टू येल, कि ये अपने जीवन में ढूंढ सके, नए एक्सपीरियंस को ढूंढ सके, नई बातों को सीख सके, नई खोज को कर सके, जिससे इनके दिल को, इनके मन को क्या मिल सके, शांति मिल सके, और हंसी हैप्पी ये कहाँ जा सके, हैप्पी हिल्स में, जहाँ पे जो स्वर्ग है, और वहाँ पे जाके ये जो हमारी महानतम कह सकते हैं कि शक्ति है, जो भगवान है, उनसे मिल सके। और इस तरह से ये जो एक इलिसस नाम की जो राजा है, उनकी इच्छा थी कि मैं अपने जीवन में इतना सब कुछ करने के बावजूद क्या हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ, और अपनी आखिरी यात्रा में जो हमारी जो निश्चित है कि मृत्यु होगी, तो इसी मृत्यु से पहले मैं 3 वर्ष और जीना चाहता हूँ, और इसी बीच में क्या करना चाहता हूँ, एक ऐसी यात्रा पर निकलना चाहता हूँ जहाँ से मुझे क्या मिले, शांति मिले, मुझे पीस मिले। और यही एक पोयम थी जो कि क्या है, टेनिसन हमारे सामने लेके आते हैं। आई होप कि आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आई होगी। हम क्या करेंगे अब नई क्लास में, एक और नई पोयम के साथ मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगा। आप एक बार ज़रूर देखिएगा, अपने जो बुक है उससे देखिएगा, और फिर क्या करिएगा, वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में ये पोयम आ जाएगी। आई होप कि आपको ये पोयम समझ में आएगी। तब तक के लिए थैंक यू, हम मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।